जाते जाते हमें रास्ते में एक और चीज़ मिली, बहुत ही प्यारी चीज़, मथुरा की ज़बरदस्त, मतलब मथुरा के अंदर एक समोसा जंक्शन दिखा हमें, जिसके अंदर बहुत सारे वैरायटीज के समोसाज हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे आकर के अपने फ्रेंड्स के साथ में बैठ सकते हो, यहाँ पे सिटिंग अलाउड है, 8 से 10 लोग बैठ सकते हैं यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली। और सैम सब्स के नाम से कितना प्यारा सा ये पोस्टर लग रहा है, लगा हुआ है दोस्तों इनका डिजिटल वाला। और इनके पास में नॉट जस्ट समोसा, इट्स चटपटा मील, नूडल मील, मंचूरियन मील। और ये जो सैम बाइट्स के समोसाज हैं, ये ऑनर आ गए हैं। क्या नाम है भैया आपका? प्रतीक नाम है। प्रतीक जी कितना टाइम हो गया ये रेस्टोरेंट ओपन किया आपको? ये सर वैसे तो मार्च से ओपन किया था, लेकिन उसके बाद जून में दोबारा से रीओपन किया, जून के एंडिंग में। तो कैसे ये कंसेप्ट आया कि समोसास की इतनी सारी वैरायटीज खिलानी है आपने लोगों को? सर बस ऐसे ही दिमाग में थोड़ा था कुकिंग का, तो मैंने रणवीर बरार को फॉलो करना शुरू किया उसके बाद से। ओके दोस्तों, ये फैन फॉलोइंग है जो एक रेस्टोरेंट के बिजनेस को ओपन कर दिया और समोसास की इतनी सारी वैरायटीज। और सबसे पहले बता दीजिए भैया, ये सैम बाइट्स 30 रुपीज़ के 4 पीसेस, या कि ये क्या कंसेप्ट है आपका? ये सैम बाइट्स ये रखे हैं आपके पास? ओके, ये रखे हैं नीचे। तो ये आलू वाले समोसे छोटे। अच्छा, तो दोस्तों अगर जो छोटे समोसे खाने के शौकीन हो ना, इसके अंदर क्रिस्प बहुत प्यारा होता है। तो अगर एक सिंगल बाइट समोसा खाने का अगर आप शौकीन होते हैं, सैम बाइट्स ट्राई कर सकते हो। टाइमिंग्स कितने बजे से कितने बजे तक अभी आपके? सुबह 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। 10 बजे से रात के 9 बजे तक? और जोमेटो स्विगी पे आप अवेलेबल हो? अभी नहीं सर। ओके, अभी हमने ऑर्डर करे हैं 2 टाइप के समोसा। क्या आवाज़ है दोस्तों, ये बहुत ही गोल्डन फ्राइड फ्राउन हो चुके हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं नाश्ते हुए ऑयल के अंदर। बाहर निकलेंगे तो टेस्ट पता लगेगा इसका। चटनी आ चुकी है हमारी दोनों, ये टिंडी वाली है, हरी वाली और रेड वाली आपकी गुड़ की, रेड वाली गुड़ की और हरी वाली इमली वाली है। दोस्तों इमली वाली चटनी पहली बार ट्राई करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये आ गए हमारे समोसे, और एक है हमारा चीज़ कॉर्न समोसा और एक है हमारा मलाई पनीर समोसा। तो पहले आपको इसके अंदर खोल के दिखाते हैं। क्या बात है भाई, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये मलाई पनीर समोसा बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त जी। फिलिंग तो बहुत अच्छी लग रही है जी, बाकी खा के पता लगेगा जी। फिलिंग के अंदर आई थिंक इसमें बहुत सारी चीज़ भरी हुई है, हल्का तो पनीर है, अगर आप चीज़ के दिवाने हो तो ये है समोसा आपके लिए। कॉस्ट है इसकी 35 रुपीज़ सिंगल समोसा, 8 लोगे तो 65 रुपीज़ की है। दूसरा समोसा आपको देता है खोल करके, ये देखो भाई वो भी तीखा नहीं होना चाहिए ना, ना कुछ ये है कॉर्न वाला समोसा, चीज़ कॉर्न समोसा है, चीज़ है इसके अंदर, आप देख सकते हो चीज़ लिखी लिखी थी। दो समोसे मलाई पनीर, दो समोसे मलाई पनीर, हाँ जी। और भी खाने वाले समोसा, तो ये समोसा खाने के लिए समोसा है, और अगर प्लेट में तो 65 रुपीज़ की हो जाती है। तो एक हमने दो सर ये समोसा ट्राई किया, आप आ सकते हो, एन नंबर ऑफ वराइटीज़ है जो आपको पसंद है, जैसे इसकी फिलिंग आपको पसंद है वो आप ट्राई कर सकते हो। अभी हम इसे लेंगे और सबसे पहले ट्राई करेंगे अपना ये कॉर्न समोसा, और ये जा रहा है हमारा डेकोने करके, ये अपनी इमली वाली चटनी और ये आ गई गुड़ वाली चटनी, और अब इसे ट्राई करते हैं। कॉर्न एकदम फ्रेश है और बहुत ही टेस्टी लग रहा है। सबसे पहली बात है, मुझे एक चटनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी इसकी, तो मुझे कन्फ्यूज़ हूँ मैं कौन सी चटनी ज़्यादा बेटर है। तो एक बार पहले ग्रीन वाली ट्राई करते हैं। अच्छी ग्रीन चटनी है, फेमस है, इमली का फ्लेवर है, थोड़ा सा नमक हल्का सा तेज़ है, बट चटनी के पर्पज़ से बहुत अच्छी लग रही है ये। दूसरी बाइट लेते हैं हम अपने मलाई पनीर समोसा की। तो मलाई पनीर समोसा हमारा आ रहा है,
तो ये आ गई हमारी बाइट, लग चुकी है और हम इसे ट्राई करेंगे गुड़ वाली चटनी के साथ में। तो टैग करो अपने दोस्तों को अगर जिसको समोसे क्या ना क्रेविंग है और इस फोर लेयर का चीज़ सैंडविच जरूर ट्राई करना, ऑनर की रिकमेंडेशन है।